मोरा लगैया हो सकले अह मन के पूरा सहरिया हो पूरा सहरिया हो दहिया के हो नैया महेश्वर संतान मेरे पास है, बड़े का नाम सीत और छोटे का वसंत है। मैं दोनों पुत्र को बहुत लाड प्यार से पाला हूँ। मैं चल के देखता हूँ अपने रंगभल में कि मेरे पुत्र दोनों हैं तो कहाँ हैं। महाराज हम तो ड्यूटी में थे, ड्यूटी में था हाँ महाराज, तो गैर हाजिर कैसे हो गया? हाजिर इसीलिए है महाराज, ये जो मालिक जी के चरणों में सादर शराब पीने में शौकत तेरा बढ़ गया, कम करता नहीं कुछ दरबार का, झूठ बोलने में फटता जिगर ही नहीं, कभी लाऊं न विश्वास तेरे पास। दरबार महाराज जाके महारानी से साफ शब्द कह दो कि महाराज आपको आज याद किए। ठीक महाराज जाओ, मैं बस जा रहा हूं महाराज। महारानी मां आज महाराज ने आपको बंगले में याद किया। महाराज मां क्या बात है, आज तेरी चुनपुर दासी कैसी है? Thank you.
है सुंदरी, आज खुश मन से है गलिए है कोया अच्छी प्रिय। जब भी मैं इस महल में आया करता था तो तुम्हारी चेहरे पर खुशी और हंसी देखता था, लेकिन आज उदासी का कारण क्या है? हाँ महाराज, ये बात तो सच्ची है, लेकिन कभी कभी ऐसा मुझे बुझाता है। कैसा बुझाता है? जो मैं आपसे भी कुछ कभी नहीं सकती। आहे छोड़ी ज्यादा कि कहो आहे सुंदरी, आहे मन के फिक्रिया है रानी है, आहे मन के फिक्रिया है सुंदरी, आज छोड़ी दी कहे मन कहे याद की फिक्रिया। राजभवन में सारी संगति भरा हो, राम लक्ष्मण जैसा दो संतान हो, पति हो, फिर इसमें चिंता करने की क्या बात है? हर इंसान को कभी न कभी चिंता हो ही जाती है। नहीं, चिंता तो उस जिंदगी के लिए मानव को करना ही दुर्लभ का होता है। जब भी इंसान अपने मन की चिंता को दूर करे तो उसके जीवन में खुशी आ जाती है। वाह, हर हमेशा मुझे चिंता छाई इसीलिए रहती है। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करोगी जहां, तेरी ख्वाबों की तू मेरी साहिल जहां, हो 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 हो
तुझसे है जिंदा प्यार बफा का, तुझसे है जिंदा तुझ पे है जान। श्रीमान इस गाने पर खुश होकर के माननीय वशिष्ठ राय जी मिठाई दुकान के तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार अदा फरमाते हैं। हमारी कंपनी धन्यवाद देती है। जय हिंद, जय भारत। प्रिय क्या अपने जो दोनों लाल हैं वो कहां हैं? मैं अपने लाल को अपनी निगाहों से देखना चाहता हूं। महाराज कहीं खेलता होता होगा। आखिर बुला के लाओ, तुम उसकी माँ हो और बच्चे को रेख देखभाल करना माँ का ही कर्तव्य होता है। दरबारी जाओ, चीज पसंद को बुला के ले ले। तुमने जाता है भाई, ये भी इस कपड़े है मालिक। बात यही है कि आपको पापा और मम्मी बंगले पे याद किए। हाँ हाँ, दोनों भाई चल चल चल। हेलो, क्या बात है रे? क्या चरणों में सादर करूं परिणाम? पिताजी के चरणों में सादर करूं परिणाम, खुश मन से दीजिए पिता मुझको पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है जो आज तक तूने मुझसे पूछा नहीं? आग काहे ना आग खबरिया दे मैया दे। आओ हमारो लहू हो पी
समाचार? तुम्हें बुलाने का कोई खास कारण है पुत्र? जिंदगी का नाम चक्र। जब तक मैं तुम दोनों भाई को अपनी निगाहों से एक पल नहीं देखता हूं तो मैं बेचैन हूं। ठीक है पिताजी, तो आप कुछ देर के लिए आपका छरी पर जाए ठीक, और मैं कुछ माँ से बात कर लेता हूं। ठीक ठीक ठीक, बात कर लो। प्रणाम पिताजी। सदा शुक्रिया। माँ आ क्या माँ? आज बहुत खुश नजर दे रहे हैं। क्यों नहीं, तुम जैसे माँ मुझे मिली और पिताजी भी। प्यार दुलार तो मुझे दोनों भाई को मिलते ही रहता है। ऐसा खुशी भगवान सबके घर में दे, क्योंकि तू देवी माँ है और भगवान पिताजी और राम लक्ष्मण जैसे तेरा बेटा सीत और पसंद। माँ कह रहे हो तुम? माँ तुमसे कुछ कहूँ? तुम कहना क्या चाह रहे हो? कह रहा हूँ माँ, बस आप तो कैसे समझेंगे माँ? हाँ माँ ने समझेंगे। पढ़ जाबई दोनों के भैया इस फूल में, दोनों भाई पढ़ने के लिए जाऊंगा, इसीलिए तुम अपनी कोमल हाथों से खाना खिला दो ताकि मैं दोनों भाई पढ़ने के लिए चल जाऊं। हां मां, मुझे जल्दी से खाना खिला दो। मीठा सिर से ए जाओ, दूध जो है लेते हैं।
बेटा एक बार तू में बोलो मामा माउस का बात पर ध्यान नहीं दो और जो बात है सो मुझे कहो दोनों भाई को मैं जाऊं पढ़ने सुनो जो मैं कह रही हूं मेरी तबीयत बराबर खराब रहता है क्या हाँ तबीयत खराब है हाँ तो ऐसा करते दोनों भाई स्कूल नहीं जाते आज नहीं जाऊंगा क्या माँ को कौन देखेगा माँ जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो यहाँ से मैं स्कूल आज नहीं जाता सुनो मेरी बात क्या अगर बराबर हमें तबीयत खराब है तो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती कैसे जाऊंगा मां नहीं मां आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन है आप ही आप सुनो दूध मां पिया के पोसली हो हो दूध मां पिया के पोसली देह सुख मारी जैसन हो माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार माई जैसन हो के करी अगली धरा के मैया रहिया बतैला नहीं जाऊंगा भाई भाई नहीं हर हमेशा तबीयत थोड़ी खराब रहती है अच्छा अच्छा ये बात कभी कभी हो जाता सुनो बसंत हाँ भैया ऐसा करो माँ के हाथों से कुछ खा लेते हैं हाँ चलो माँ चलो अपने हाथों से कुछ खा दो वो खा करके पढ़ने के लिए स्कूल चलना खाना तो नहीं नहीं थोड़ी सी दूध है वो पी लो तो जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना के रखती हूँ जब तक दूध पी के चलते हैं दोनों भाई और मैं खाना बना के रखेगी तो मैं टिफिन के बैग में आऊंगा हाँ ये बात हुआ ठीक है तो चलो दूध हम पी आ दो Thank you.
बचा हुआ है काफी है, सभी तुम ही पीते जा रहे हैं। ऐ पेटू कहीं का हमेशा देसी पीने के फिर में रहता है। अच्छा पी लो पी लो पी लो। चलो पेट भर गया, हम एक कुल्ला पिए थे एक लीटर में से, सब पी गया चोट। अच्छा चलो 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 और सुनो, छोट भाई है छोट भाई। अच्छा एक काम करो, क्या खाना में तो लेट होगा, ये पैसा मैं देती हूँ। अच्छा कुछ खा लेना भांजा, ऐसा ना सभी को खा जाए। क्यों रे, ये पैसा हम रखे कि तुम रखेगा? ना तो हम देंगे कल्ला, देवो करके ले कमाल। छोटा सुनो ना, ये पैसा हम रखे दे दे, दोनों बाद में कॉलेज में जाबे ना मस्त हम किया। बहुत तेज है चट्टा, क्या बोला? नहीं हसनपुर पुले पर उतर दे। मां पैसा दे दे, आ दोनों भाई के पंजाब से खिबल जबर पंजाब से। ऐसी बात है मां, ऐसा बात नहीं कह रहे। सुनो तुमको बिस्कुट उस्कुट खाने का मन करेगा तो हमारे साथ चल, एगो हम खाएंगे एगो हमारा भाई खाएगा एगो तुमको दे देंगे। ना दे रहे एगो अरे सुनो, पैसों बचा के लाना है तो उतने में से ना बात चुट कर खाए, जितना होगा उतना ही खाऊंगा, पैसा होगा बचा के मां एक काम करो तो तुम ही कह दो तो सब खा जाए ना, कह दो अभी नहीं मां तो चलो जी प्रणाम खुश रहो। और सबसे पहले तुम नहीं सुधरेगा ठीक, सबसे पहले हमारे जो मालिक है ये घर का मालिक जैसे प्रोग्राम करवा रहे हैं उनसे अनुरोध है जो एगो बिछावन ही लगा दीजिए ताकि लोग बैठे, वहाँ आने जाने में समय होगा खत्म इसलिए स्टेज खाली रहे, एगो बिछावन पीछे लगवा। भाई भाई हाँ भैया चलो चलिए नहीं करो ठीक है भैया, चलिए भैया दीजिए भाई। दू गो है दी, एगो दे दीजिए, एगो बिछावन यहाँ लगाना दीजिए भैया।